अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन. स्टे होम, स्टे सेफ. क्लास, इट्स आवर साइंस लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एनिमल्स. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एनिमल्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर. सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 34. अपनी बुक्स का पेज नंबर 34 जल्दी से ओपन कीजिए और मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट कीजिए. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट्स एंड जंगल्स. फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल होता है और जंगल का मतलब भी जंगल होता है. तो बहुत से जो जानवर हैं वो जंगलों में रहते हैं. मैनी वाइल्ड एनिमल्स ईट प्लांट्स. बहुत से जो जंगली जानवर हैं वो पौधे खाते हैं. एंड सम ईट्स अदर एनिमल्स, और कुछ जो हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं. यहाँ पर उन्होंने हमें राइकून और क्रोकोडाइल की पिक्चर दी हुई है जो कि जंगली जानवर है. स्कैवेंजर, स्कैवेंजर विद सच एज द हाइना, वाइल्ड डॉग एंड वल्चर ईट डेड एनिमल्स. अब स्कैवेंजर उन एनिमल्स को कहते हैं, उन जानवरों को कहते हैं जो कि मुर्दा गोश्त खाते हैं, जो ताज़ा शिकार करके नहीं खाते, जो पहले से मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जिनमें जंगली कुत्ता, वुल्चर. ये वुल्चर की हमें पिक दी हुई है. वुल्चर कहते हैं गिद्ध. ये एक उकाब या चील की तरह का एक परिंदा है और इसे इसको गिद्ध कहते हैं. ईट डेड एनिमल्स, ये मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं. डिस्कस एंड आंसर, इसमें दिया गया कि आपने अपनी टीचर को बताना है कि आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगता है और क्यों लगता है. नेक्स्ट रीडिंग लिखें डोमेस्टिक एनिमल. पहले हमने पढ़ा वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के बारे में. अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू जानवर जिन्हें हम घर पर पाल सकते हैं. सम एनिमल्स कैन बी टेम्ड. टेम्ड का मतलब भी पालतू होता है, जिन्हें हम घरों पर पालते हैं. कुछ जानवर जो हैं वो पालतू होते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो कि पालतू जानवर कहलाते हैं. सम लिव इन आवर हाउस एज अ पैट. कुछ हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं पैट के तौर पर. अदर आर कैप्ट ऑन फार्म्स, और बाकी जो हैं दूसरे जो हैं उन्हें हम फार्म्स पे रखते हैं, जैसे कि मुर्गियों का फार्म होता है, बकरियों का, गाय भैंस का, घोड़ों का, गधों का, मतलब जिन्हें हम काम के लिए या हम फूड के लिए यूज़ करते हैं. दीज दे हेल्प अस इन मैनी वेज. ये हमारी बहुत से मदद करते हैं, बहुत से कामों में हमारी हेल्प करते हैं. अब यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. डॉग, काओ, पैरट, गोल्ड फिश, कैट, इन सबको हम घरों में भी पालते हैं. इनके फॉर्म्स भी होते हैं, जिनसे जैसे फिश फॉर्म से हम फिशेस का बिजनेस करते हैं. पोल्ट्री फॉर्म यानी कि जो हैंस का फॉर्म होता है, वहाँ से अंडे और चिकन का जो बिज़नेस करते हैं. ये सब हम पालते भी हैं और इनसे हमारा बिजनेस भी चलता है. पेट्स आर आवर फ्रेंड्स. पेट्स जो होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं. एंड दे आर यूज़फुल टू, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं. कैट्स चेस अवे माइस. अब बिल्लियाँ जो होती हैं वो चूहों के पीछे भागती हैं. ठीक है क्लास, अब नेक्स्ट पेज नंबर 35 देखिए. जी क्लास, पेज नंबर 35 पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. उन्होंने कहा है सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव्स अस मिल्क. अब कुछ जो जंगली पालतू जानवर होते हैं वो हमें दूध देते हैं, जैसा कि काऊ और गोट. ठीक है, नेक्स्ट है मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स. फ्लैश कहते हैं गोश्त को. बहुत से जो जानवर लोग होते हैं वो इन जानवरों का गोश्त खाते हैं, जैसा कि हम लोग भेड़ का गोश्त खाते हैं, मुर्गी का खाते हैं, फिश खाते हैं. यह है टर्की, ये भी एक एनिमल है, बर्ड टाइप बर्ड है. ठीक है, तो कुछ लोग ये क्रैब, केकड़े, झींगे वगैरह भी खाते हैं. दीज एनिमल्स आर बर्ड्स. अब ये वाले जो एनिमल्स हैं ये बर्ड्स कहलाते हैं. दे गिव्स अस एग, ये हमें अंडे देते हैं, जैसे कि हैन, डक, गूस. गूस भी डक की तरह का ही होता है, इसकी नेक थोड़ी लॉन्ग होती है. दीज एनिमल्स गिव्स अस सिल्क. अब ये जो उन्होंने हमें एनिमल्स दिया है ये हमें सिल्क देते हैं, फर देते हैं, लेदर देते हैं, मतलब जिससे हमारा कपड़ा, जूता, ये सब कुछ बनता है. सिल्क वर्म, इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है क्लास कि सिल्क वर्म से हमें सिल्क का कपड़ा मिलता है. काओ से हमें लेदर मिलता है, लेदर और लेदर की जैसे जैकेट्स, शूज़,
बैग्स वगैरह बनते हैं, और शीप से हमें वुलन स्वेटर बनते हैं हमारे, ठीक है, शीप से हमें ऊन मिलती है। तो क्लास आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे रीड करना है। चलिए नेक्स्ट अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी क्लास। तो जल्दी से अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। पेज नंबर 5 पे सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करना है, डेट एंड डे मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ नेम्स दिए हुए हैं, उन्होंने कहा इसको करेक्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों की आसानी के लिए कॉलम ए और कॉलम बी लिख देती हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। हमने इधर उन्होंने कहा है कॉलम ए में वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो पानी में रहते हैं, और यहाँ पर हमने उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो पानी में नहीं रहते, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए फर्स्ट वर्ड है लिजर्ड। लिजर्ड कहते हैं छिपकली को। क्लास आपको पता है छिपकली पानी में नहीं रहती, तो उसे हम लिखेंगे कॉलम बी में, इसे हम कॉलम बी में लिखेंगे। रैबिट, रैबिट भी पानी में नहीं रहता, तो इसे भी हम लिखेंगे कॉलम बी में। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को भी कॉलम बी में लिखेंगे क्योंकि ये भी पानी में नहीं रहती। फिर है टैडपोल। टैडपोल कहते हैं मेंढक के बच्चे को। जब मेंढक अंडा देता है उसमें से जो छोटा सा बच्चा निकलता है उसे हम कहते हैं टैडपोल। टैडपोल जो है वो पानी में रहते हैं, इसीलिए इसे हम वाटर में लिखेंगे कॉलम ए में। नेक्स्ट है ईगल। ईगल क्लास सांप की तरह का एक जानवर है, लेकिन सांप बहुत लंबा होता है, ईल छोटी सी होती है, लेकिन इसकी बॉडी शेप जो है वो बिल्कुल स्नेक की तरह होती है और ये पानी में रहती है, तो इसे हम लिखेंगे कॉलम ए में। उसके बाद क्रैब। क्रैब कहते हैं केकड़े को। केकड़ा भी पानी में रहता है, समंदर किनारे पाया जाता है, इसलिए इसे हम लिखेंगे कॉलम ए में। वेल। वेल हमें नेम से ही पता चल रहा है, वेल फिश है, तो ये भी पानी में रहती है, कॉलम ए में लिखेंगे। स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन भी बिच्छू होता है, ये भी पानी में रहता है, इसे भी हम लिखेंगे कॉलम ए में। नेक्स्ट है सी हॉर्स। सी दरियाए घोड़ा। सी दरिया, हॉर्स घोड़ा, दरियाए घोड़ा भी पानी में रहता है, इसलिए इसे भी हम कॉलम ए में लिखेंगे। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी आपको पता है पानी में रहता है, इसे भी हम कॉलम ए में लिखेंगे। लूबस्टर। लूबस्टर जो है ये भी क्रैब और स्कॉर्पियन की तरह का एक जानवर है, केकड़ा, केकड़े की तरह का एक है, इसे ये भी पानी में रहता है, इसे भी हम कॉलम ए में लिखेंगे। नेक्स्ट है रैट। रैट पानी में नहीं रहता, इसे हम कॉलम बी में लिखेंगे। ऑर्गेंस्टम। ऑर्गेंस्टन जो है ये बंदर की तरह का है, बंदर जैसे बदमानस या बंदर टाइप का एक जानवर है, तो ये पानी में नहीं रहता ऑर्गेंस्टन जो है, इसीलिए इसे हम लिखेंगे कॉलम बी में। नेक्स्ट है जैकल। जैकल कहते हैं गीदड़ को, तो ये भी पानी में नहीं रहता, जंगल में रहता है, इसे भी हम लिखेंगे कॉलम बी में। नेक्स्ट है शार्क। शार्क भी पानी में रहती है, इसीलिए इसे भी हम कॉलम ए में लिखेंगे। स्नेक। स्नेक पानी में नहीं रहता, इसीलिए ये कॉलम बी में आएगा। नाइटिंगेल जो है वो एक बर्ड है, लाइक स्पैरो, तो ये भी पानी में नहीं रहती, इसीलिए इसे भी हम कॉलम बी में लिखेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ सेंटीपेड। सेंटीपेड कहते हैं कान खजूरे को कहते हैं, और ये भी पानी में ही रहता है, इसीलिए इसे भी हम कॉलम ए में लिखेंगे। क्लास आपने बहुत ही केयरफुली नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे लिखना है, और दोनों कॉलम्स में ध्यान से जैसे मैंने लाइन्स ड्रॉ करके लिखा है, इसीलिए आप भी इसी तरह लाइन्स ड्रॉ करके लिखेगा ताकि गंदा ना हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रू एंड फॉल्स। हमने ट्रू पे टी एंड फॉल्स पे एफ मार्क करना है। नंबर 1 है बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज। परिंदे जो हैं अपने घोंसले दरख्तों पर बनाते हैं, ट्रू। एनिमल्स हैव नॉट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। उन्होंने कहा एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नहीं होते, इट्स फॉल्स। पेट्स आर आर फ्रेंड्स। पेट्स जो है हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्होंने यस यहाँ पे उन्होंने कहा पेट्स आर नॉट आर फ्रेंड्स, तो इट्स फॉल्स। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, यस इट्स ट्रू। सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, ट्रू। आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली इसको लिखना है क्लास। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।